please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. रियल एस्टेट के सभी बायर्स को एक छत के नीचे लाने वाली आरआरएम फाउंडेशन ने आज नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिल्डरों द्वारा हो रही धोखाधड़ी के खिलाफ आरआरएमएफ एक ऐसा मंच बनकर सामने आया जिसने होम बायर्स की समस्याओं को अपना समझा। आरआरएमएफ के प्रेसिडेंट महेश दत्त ने इस एसोसिएशन के माध्यम से देश भर के सभी होम बायर्स से अपने साथ जुड़ने की अपील की। बेसिकली बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जिनकी अभी एसोसिएशन ही नहीं है। आप लोग यहाँ जो एसोसिएशंस के पदाधिकारी बैठे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने ग्रुप के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए एसोसिएशंस का निर्माण किया, लेकिन अगर आप देश में देखेंगे या बहुत सी जगह आपको नोएडा में भी मिल जाएगा, हमसे भी बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं कि हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है, हम कैसे एसोसिएशन बना सकते हैं या केवल आपके साथ एफिलिएट होके हमारा काम चल सकता है। Problem is a scam which has taken place, and I personally feel Noida has witnessed the mother of all scams, and it may be the one of the greatest scams of India what we are witnessing today, because you pay for something and you don't get it. Supposing tomorrow you don't get your money back from your bank, you arrive at an airport and you don't get your seat over there. Whatever you pay, you don't get it. And it's not a matter of couple of thousands. The money goes into lakhs per person, not 1 lakh or 2 lakh. I think on an average it is 30 lakhs or 40 lakhs. And you are getting duped. अच्छा एक इनिशिएटिव है कि उन्होंने तमाम बायर्स ग्रुप को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। अच्छा उद्देश्य जो रहा है वो है कि सब होम बायर्स जो डिफरेंट प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के अंदर लाना। सभी जितने भी अच्छे मिनिस्ट्री लेवल के लोग हैं उन तक पहुँचाएँ और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस चीज़ का कोई समाधान निकाला जाए। बिकॉज अब ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है बचा हुआ जिस पे एक आम आदमी जा सकता है। हम लोगों ने एक आरआरएमएफ एसोसिएशन फॉर्म करी है, फोरम फॉर्म किया है, जिसकी जितनी भी होम बायर एसोसिएशन है, द प्रोजेक्ट चाहे होम बायर्स हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, दे आर द मेंबर्स ऑफ आरआरएम फाउंडेशन। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे इतने सारे बिल्डर्स के अगेंस्ट जो सफरर्स खड़े हुए हैं, एसोसिएशंस आई हैं और यहाँ पे आके आरआरएम की वजह से इकट्ठे हुए हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं इकट्ठी पता चली हैं, कॉमन प्रॉब्लम, एक दूसरे से हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में और एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो कोर्ट के कैसे अप्रोच करना है या अथॉरिटी के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट वे टू स्टे यूनाइटेड। I think it's an excellent job by RRM. इस दौरान लगभग सभी बायर्स एसोसिएशन के सदस्य यहाँ मौजूद रहे। We have a project of around 400 flats in a granted realty at sector 107, which is now getting completed in terms of that completion or completion. अक्सर सर इस विषय में कि अगर हमारे यहाँ एक शादी है, लड़की की बारात आती है तो सबसे पहले बारातियों को खाना खिलाया जाता है, वो है हमारे बैंक्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। उसके बाद घर वाले खाना खाते हैं, वो है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, वो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने सामान दिया था, वो एम्प्लॉयज जिन्होंने वहां पर वो कार्यरत थे, सेवाएं प्रदान की थी। और तीसरी कैटेगरी में बचा खुचा खाना भिखारियों को बांटा जाता है, वो आप हम थे सब। यानी कि आपके दिए हुए का 10-20% मिल जाता तो आप शुक्रगुजार होना चाहिए था। नतीजा क्यों करना किया ऐसा इन्होंने, मुझे लगता है आशंका ही नहीं विश्वास भी है कि बैक डोर से बहुत बड़े बिल्डर्स इन चीजों में कॉर्पोरेट इसमें कूद कर आना चाहते हैं, इनको दिवालिया करके यही प्रॉक्सी कंपनीज बना के दोबारा लेंगे, आपको 5-5-7-7 लाख रुपए ठरका के देके आपके फ्लैट्स का अपने कब्जे में करेंगे, 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 30 लाख वाला फ्लैट बेचेंगे, ये होने वाला है। जहां स्कैम्स हो, जहां कांड हो रहे हो और वो कांड सिर्फ कुछ लोगों की, कुछ महकमों की वजह से नहीं हो रहे, इस तक ये नेक्सस है पूरा। अरुण जी ने बहुत सही बोला, मैं उनके
विचारों से बिल्कुल सहमत हूं, ये इट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. I was introduced to this forum by one of the gentlemen from Cosmic, where we met him in the court. I have taken two takeaways from this forum. And my submission is that we all must come together and, you know, share our best practices. ये fraud business practice नहीं तो क्या है? ये देश की सरकार क्यों सो रही है? मुझे बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है. हम चाह के भी इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. इसके कोई सलूशन नहीं है. मुझे 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 नहीं नजर आ रहा है. सारे लोग आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ भी, ये लोग भी बैठे हुए हैं. ये मुझे कोई एक सलूशन बता दे कि गवर्नमेंट जब तक इसमें नहीं जगेगी, जब तक इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, इतने बड़े स्कैम का कुछ भी नहीं हो सकता है. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू दैट यू टेकन द इनिशिएटिव ऑफ ब्रिंगिंग अस ऑल ऑनटू दिस कॉमन प्लेटफॉर्म. एंड आई एम वेरी श्योर दिस प्लेटफॉर्म विल सून सी सम रैपिड प्रोग्रेस. Now regarding these points which have been raised regarding disappointment of, you know, going to courts, banging your head on doors and getting no results. Well, let me tell you, there are certain positive actions and reactions which are taking place. As far as our association is concerned, in the last 2 years, we've managed to achieve a lot. When Basins were issuing us letters to cancel our allotments, we managed to take a stay order from the High Court as well as from the Consumer Court. Yes, Earth Sapphire, I met somebody. And we have another project in Supertech as well as Ansel Highland. जो कि political approach के साथ इतना बड़ा scam करने में successful. जिस बिजनेसर को लैंड HSIDC ने अलर्ट कर दी, वो person उस लैंड के entitled ही नहीं. मात्र 1,00,000 रुपए शेयर कैपिटल की कंपनी, 1,00,000 रुपए दे, कोई कैपिटल नहीं उस, और उसको लैंड अलॉट कर दी, जबकि उसका एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो 50 करोड़ की टर्नओवर होनी चाहिए तब उसको वो प्लॉट अलॉट होना. जस्ट से दैट वी ऑलवेज फोकस ऑन द बेसिक्स. बेसिक्स मीन्स यू हैव टू गो टू द फॉल्ट दे हैव मेड. व्हेन 10 इयर्स बैक दिस ऑल स्कैम वाज हैपनिंग, मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स एंड अथॉरिटी डिड लॉट ऑफ मिस्टेक्स by signing such things which they do cannot do or which cannot happen on reality. नोएडा में इन दिनों चल रही बिल्डर्स की मनमानी से सभी होम बायर्स परेशान हैं, मगर अब RRMF के आने के बाद से उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी बात सुनी जाएगी और उनके पास एक ऐसा मंच होगा जिससे वो अपनी आवाज़ उठा सकेंगे. रियल्टी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट.